चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबर के साथ। गरोठ भानपुरा विधायक देवीलाल धाकड़ ने विकास यात्रा और विकास कार्य को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। कॉन्फ्रेंस के दौरान धाकड़ ने 5 फरवरी से दुधाखेड़ी माता से शुरू होकर 25 फरवरी तक विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई है, जिसमें सभी शासकीय अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और किसी भी समस्या का तुरंत निवारण करना है और जनता से रूबरू होकर किसी भी कार्य में आ रही अड़चन को दूर करना है। विधायक देवीलाल धाकड़ ने बताया कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने कहा था खजाना खाली है, पर जैसे ही सरकार बदली तो वर्ष कोरोना महामारी के निकलने के बाद भी केवल 1.5 वर्ष में इतने विकास कार्य केवल हमारी ही पार्टी कर सकती है। तो जितने भी विकास काम एक तरफ से देखा जाए तो इस सरकार के कार्यकाल में, सरकार बनने के बाद 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, तब कमलनाथ जी कहते थे कि खजाना खाली है। पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन ही हमको मालूम है कि कोरोना की महामारी हमारे प्रदेश में शुरू हो गई थी, देश में शुरू हो गई थी। तो शिवराज सिंह जी ने शपथ लेते ही और गवर्नर हाउस से सीधे मंत्रालय जाकर कोरोना से निपटने के लिए बैठक की।